हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 नागरिक शास्त्र का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं आप सभी के लिए। ये देखिए 2024 का पेपर आपके लिए हम लेकर आए हैं नागरिक शास्त्र का। आज की इस वीडियो में हम इस मॉडल पेपर को हल करने वाले हैं, यानी पूरा सॉल्यूशन के साथ में बताने वाले हैं कि किस तरह से आपका 2024 में आया था और इस बार 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, क्लास 12 नागरिक शास्त्र ऐसे आएगा 2025 में पेपर। यदि आप 100 में से 95 प्लस नागरिक शास्त्र में लाना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। पूरा पेपर का जो मैं सॉल्यूशन भी आपको बताने वाला हूँ और ये भी बताऊँगा कि कैसे आपका पेपर आया था और इनमें से कितने क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं, क्वेश्चंस हार्ड रहते हैं या नॉर्मल रहते हैं, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में पता चल जाएंगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम ये वीडियो आप सभी की डिमांड पर लेकर आए हैं। यहाँ पर देखिए अनुक्रमांक रहेगा जो कि मैंने हाइड कर रखा है, नाम बच्चे ने लिखा है नितिन शर्मा, मुद्रित पृष्ठ संख्या है, पेपर कोड भी आप देख सकते हैं 323ER। नागरिक शास्त्र 2024 का ये पेपर है, समय 3 घंटा 15 मिनट रहता है। ये पूर्णांक आपका 100 नंबर का है, जैसा कि आप जानते हैं नागरिक शास्त्र में 100 नंबर का पूर्णांक होता है। निर्देश में जो जानकारी है, जब बोर्ड एग्ज़ाम आप पेपर दीजिएगा 2025 में नागरिक शास्त्र का, तो ये निर्देश को आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके नागरिक शास्त्र में पूछे जाते हैं, एक एक नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है। शुरुआत में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है तो पूरे बुक से पूछा जाएगा, कहाँ से पूछा जाए किसी को पता नहीं है। देखिए 2024 में जो मैंने तैयारी कराई थी बच्चों की, वो काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। जो नितिन शर्मा लड़का है इसने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था, ठीक है, और भी बच्चे स्कोर किए थे, काफ़ी अच्छा स्कोर किए थे। तो जो मैंने पढ़ाया था वही सब आया था स्टूडेंट। जैसा कि यहाँ पर देखिए नोट में देख लीजिए कि निम्नलिखित 10 प्रश्नों में से प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी गलत आपको क्या करना है, 3 गलत रहेंगे, 1 सही रहेगा और सही वाला अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। जैसा कि देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विश्व में 1991 की मुख्य घटना क्या थी। इसको हमने काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ, यानी जो हमारे 2024 के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा। तो विश्व में जो 1991 की जो मुख्य घटना थी वो सोवियत संघ का विघटन था, यानी 15 देशों में टूट कर ये अलग हो गया था स्टूडेंट। सोवियत संघ का ये विघटन हुआ था 1989 में, आपका बर्लिन का दीवार गिरा था, याद रखिएगा। जब पेपर में पूछा जाएगा तो आपको बताना रहेगा। ये पेपर आप पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको क्या है 30 से 40 नंबर आपका स्टूडेंट नागरिक शास्त्र में कहीं पर नहीं गया, मेरी गारंटी है। पूरा पेपर आप लोग जरूर देखिएगा। दूसरा बहुविकल्पीय प्रश्न आपका दिया हुआ है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व राजनीति में कौन सी 2 महाशक्तियों का उदय हुआ। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन है। द्वितीय विश्व युद्ध जो आपका चला 1945 शायद स्टार्ट हुआ था 1945 में, मैं सही हूँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो सबसे ज़्यादा जो एक प्रकार से जो 2 महाशक्तियों का उदय हुआ वो क्या था, आपका सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी दूसरे का गा राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति अपनाई थी। तो हमने स्टूडेंट जो नागरिक शास्त्र में हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए करा रखे थे। लास्ट में एक हमारा मैराथन भी आया था जिसमें हमने 60 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताए थे जो कि उससे काफ़ी क्वेश्चन आए थे। तो चीन हो जाएगा भैया जो कि खुले द्वार की नीति अपनाई थी। उसके बाद में देखिए 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया का अंग नहीं है, यानी दक्षिण एशिया का जो अंग नहीं है वो आपका चीन हो जाएगा, यानी इनमें से गा राइट आंसर हो जाएगा जो कि चीन है भैया, दक्षिण एशिया का अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको भी हमने काफ़ी बार बता चुका हूँ और अति लघु उत्तरीय में इसका आंसर भी मैंने दे रखा हूँ स्टूडेंट, खासकर मॉडल पेपर के जो स्टूडेंट हमारे वीडियो देखते हैं उसमें। वर्ल्ड सोशल फोरम का मुख्य जो कार्य है, यानी वैश्वीकरण का विरोध करना, यानी आपका 5 का नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 6 नंबर, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था,
आप सभी को पता होगा स्टूडेंट, भारत में गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी ने दिया था, यानी घा नंबर आपका सही हो जाएगा, जो कि 6 नंबर का घा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में कौन नक्सलवादी आंदोलन का नेता था, यानी नक्सलवादी जो आंदोलन था इसका जो नेता था वो कौन था आपका बताना है, इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, 7वें का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा चारू चंद्रले, जो आपका चारू मजूमदार हो जाएगा, जो कि 1967 में पश्चिम बंगाल के जो दार्जिलिंग जिले के में ये हुआ था नक्सलवादी आंदोलन, जो कि इसके नेता हैं चारू मजूमदार। नाम याद रखिए, बोर्ड एग्जाम में आएगा तो लिख दीजिएगा, ठीक है। और आप हमारे इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर का वीडियो नहीं देखे तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। और यदि आपने क्या है एक हमारा वो वीडियो नहीं देखा जिसमें हमने टॉपिक बताए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि पूरी साल की तैयारी पिछले साल के भी बच्चे ने तैयार किया था और उनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट बोर्ड एग्जाम में देखने को मिले था, काफ़ी अच्छा पेपर में क्वेश्चंस आए थे, तो टॉपिक तैयार कर लीजिए। जो बच्चे कमज़ोर हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता और उनको समझ नहीं आ रहा कि किस चीज़ की अभी तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, तो वो वीडियो जाकर उनको दिखा दीजिए, वो अच्छा स्कोर करेंगे। 8 नंबर बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ, इसको भी मैंने काफ़ी बार बता चुका हूँ स्टूडेंट। तो राज्य जो पुनर्गठन अधिनियम है स्टूडेंट, ये कब पारित हुआ था, तो ये पारित हुआ था 31 अगस्त 1956 को, जो कि क्या है 31 अगस्त 1956 गूगल में दिखा रहा है, ये गूगल में दिखा रहा है, और बुक के हिसाब से देखा जाए तो 1953 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर 1953 तो है ही नहीं, तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताइएगा। और 1900 देखिए, यहाँ पर 1952 भी दिखा रहा है, 1952 1956 दिखा रहा है, 1956 1952 दिखा रहा है, तो ये सब क्या है एक प्रकार से, जब मैंने लघु उत्तरीय क्वेश्चन बताया था उसमें सारी चीज़ें बता दिया है। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम का आप देख सकते हैं, इसका आंसर आपको बुक में देखने को मिल जाएगा, और गूगल पर सर्च करेंगे तो अलग दिखाएगा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो बीपी सिंह हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, बीपी सिंह, जो कि 7 अगस्त 1990 में इन्होंने क्या है मंडल आयोग रिपोर्ट लागू किया था शायद, जो कि उस समय के प्रधानमंत्री थे बीपी सिंह, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में देखिए, 10 नंबर, गोवा भारतीय संघ का एक स्वतंत्र राज्य कब बना, ये देखिए 25वां भारत का स्वतंत्र राज्य बना, स्वतंत्र भारत का 25वां राज्य बना गोवा भारतीय संघ, तो ये कब हुआ था स्टूडेंट, याद रखिएगा 30 मई 1967 हो जाएगा राइट आंसर। तो देखिए, तो जो हमारा 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट, हमने बता दिया है हमारा 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो इसका भी मैं आंसर देने वाला हूँ। बेसिकली क्या है, इसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आपका 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है, तो 20 नंबर इसमें भी मिल जाएंगे। और देखिए, इसका जो आंसर होता है 20 शब्दों में क्या है मैक्सिमम लिखना होता है, उससे कम भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, मैक्सिमम 20 शब्द होते हैं, तो उसी के हिसाब से मैं इसका आंसर भी बताने वाला हूँ। और ये सारे क्वेश्चन में गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट, मैं एक एक वीडियो में सारे क्वेश्चन का आंसर मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है। मैंने जो बताया था बच्चे ने पढ़ा था और वो पेपर में आया था, पिछले साल के पेपर में आप जाकर देख सकते हैं, कॉमेंट्स हमारा पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोर किए थे और बच्चों ने कैसा स्कोर किया था हमारा मॉडल पेपर का वीडियो देख देख कर। हमने बहुत सारे मॉडल पेपर का वीडियो बनाया, टॉपिक का वीडियो बनाया, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बनाया, उसी को वीडियो को देखकर काफ़ी अच्छा स्कोर बच्चे ने किया है। तो आप भी अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस पेपर को कंप्लीट देखिए, और मैं जो नया नया मॉडल पेपर का वीडियो लेकर आता हूँ उसको भी आप कंप्लीट देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कि सोवियत संघ के विघटन का कोई एक परिमाण या परिणाम लिखिए, तो एक परिणाम आपको लिखना है, इसका आंसर देखिए ये देखिए, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात अमेरिका के ऊपर आर्थिक रूप से विकासशील देशों की निर्भरता बढ़ी है, तो ये हमारा 2 नंबर हो गया, बस इतना ही लिखना था, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऐसा कोई एक कारण लिखिए जिसने पर्यावरण के मुद्दों को वैश्विक राजनीति की चिंता बना दिया है, वैश्विक जो राजनीति है इसका क्या है चिंता बना दिया है, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार प्रत्येक वर्ष 30 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं, विकासशील देशों की
66.3 देखिए विकासशील देशों की 66.3 करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है। यहाँ की 2 अरब 40 करोड़ जनसंख्या स्वच्छता तथा स्वच्छ यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य योजनाओं की सुविधाओं से वंचित है। स्वास्थ्य जो योजनाओं की क्या है वंचित है, सुविधाओं से वंचित है, ये इसमें बताया गया है। और दो दो नंबर का क्वेश्चन है, मैं आंसर बताता चलाता हूँ, आप वीडियो को रोक रोक कर लिख लीजिए यदि आप लिख रहे हैं तो। ठीक है स्टूडेंट, काफ़ी विद्यार्थी जो कहते हैं कि पिछले साल के पेपर से क्वेश्चन नहीं आता तो वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। पिछले साल के पेपर से भी क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम क्या कहते हैं प्रीव्यू पेपर कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का कोई एक कारण लिखिए, कोई एक कारण लिखना है तो देखिए, संचार के अच्छे साधनों की उपलब्धता के कारण बाकी विश्व के साथ परस्पर जुड़ाव ये वैश्वीकरण का एक कारण है। देख सकते हैं वीडियो को रोक कर आराम से। ठीक है, उसके बाद में देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की उस एजेंसी का नाम लिखिए जिसका संबंध शिक्षा एवं संस्कृति से है। इसको भी मैंने बता रखा है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैंने बता रखा है अपने वीडियोज में, तो आप इसका नाम समझ लीजिए। इसका नाम क्या है स्टूडेंट, यूनेस्को, या मैं लिख देता हूँ, ये देखिए इसका नाम होता है यूनेस्को। देखिए ये देखिए मैं लिख देता हूँ, लिखने की क्या आवश्यकता है मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए UNESCO यूनेस्को यानी संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक एवं सांस्कृतिक संगठन, ये इसका हिंदी में नाम है, इंग्लिश में इसको कहते हैं यूनाइटेड, देखिए यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन, यहाँ पर देखिए साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, देखिए यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन, यहाँ पर देखिए एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका अर्थ है संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक एवं सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 2 स्थायी देशों का उल्लेख कीजिए। तो 2 स्थायी जो देश का उल्लेख हुआ है यहाँ पर देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2 स्थायी सदस्य देश अमेरिका और चीन हो जाएंगे। कौन हो जाएगा, अमेरिका और चीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस चैनल पर आपको आर्ट से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट की तैयारी मिलेगी स्टूडेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं करें हैं, मैं यहाँ पर पूर्ण रूप से 2025 बोर्ड की तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत की सीमा के साथ लगे हुए किन्हीं 2 राज्यों का नाम लिखिए। यहाँ पर 2 देशों का नाम होना चाहिए, 2 देशों का नाम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 राज्यों का नाम दे दिया गया है। तो देखा जाए 2 राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश रख लीजिए, सिक्किम रख लीजिए, मिजोरम रख लीजिए, कोई भी 2 आप रख लीजिए, लेकिन देशों की बात की जाए तो देश आपका चीन तथा म्यांमार हो जाएगा। चीन तथा कौन हो जाएगा, म्यांमार। ये 6 नंबर क्वेश्चन का सही विकल्प है जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर देखिए, गठबंधन सरकार का क्या आशय है। आशय हमें बताना कि गठबंधन सरकार का आशय क्या है, इसका देखिए, सरकार का एक रूप जिसमें कई सारे राजनीतिक दल मिलकर सरकार क्या है बनाने के लिए सहयोग करते हैं, बनाने के लिए क्या कहते हैं, एक प्रकार से सहयोग करते हैं, उन्हीं को गठबंधन सरकार का आशय है। देखिए 20 शब्दों में हमें लिखना होता है, ज़्यादा बड़े में क्या जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो आपका अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा आप ध्यान मत दीजिए, इसमें क्वेश्चंस को पूरा कीजिए, छोड़िए एक भी मत, लेकिन इसको क्या है जल्दी जल्दी कीजिए। ठीक है, फास्ट कीजिएगा, लेकिन ये भी देख कर ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन का आंसर आप गड़बड़ ना कर दें, इस क्वेश्चन का आंसर आपने इसमें लिख दिया, इस क्वेश्चन का आंसर आप इसमें लिख दिया, तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, 15 मिनट इसी के लिए दिया था पेपर को पढ़ने के लिए, तो कंप्लीट आप पढ़िएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, मणिपुर की मुख्य समस्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए, पहाड़ी बनाम मैदानी जन समुदाय तथा जन जाति ST का दर्जा मणिपुर में हालिया हिंसा भड़कने का प्रमुख कारण यही है। राज्य का लगभग 40% हिस्सा मैदानी व घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है। बस ये हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी 2 रियासतों का नाम लिखिए जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत में विलय का डटकर विरोध किया। 1+1 अंक दिया जाएगा, यहाँ तक आपको 1 नंबर दिया जाएगा, फिर यहाँ तक आपको 1 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर देखिए, ऐसी 2 रियासत यहाँ पर देखिए, रियासतों का नाम लिखिए जिन्होंने स्वतंत्रता, तो जूनागढ़ और हैदराबाद हो जाएगा, जूनागढ़ और हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं स्टूडेंट, 9 नंबर भी क्वेश्चन का हमने आंसर आप लोगों को बता दिया है। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन बचता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, जो कि महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी। तो नाथूराम में लिख देता हूँ, नाथूराम देखिए, नाथूराम जो हो जाएगा भैया, नाथूराम गोडसे, इसने 30 जनवरी 1948 को
शाम के यानी शाम में नई दिल्ली जो बिगड़ा भवन है वहाँ पर महात्मा गांधी जी टहलने आते थे रोज़ क्या है टहलने या व्यायाम कुछ भी प्रार्थना करने आते थे। तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने नई दिल्ली में क्या गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, किसने किए थे? नाथूराम गोडसे ने। कब किया था? 30 जनवरी 1948। डेट याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा स्टूडेंट जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न था ये हमने बता दिया है, जो कि दो दो नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है, 10 दुना 20 नंबर आपको मिल जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लघु उत्तरीय प्रश्न वन आ गया है, यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न वन, ठीक है, यानी प्रथम आ गया है लघु उत्तरीय प्रश्न प्रथम। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का एक क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, जिसका शब्द सीमा क्या होता है स्टूडेंट? लगभग आपको क्या है 50 शब्दों में इसका आंसर देना होता है। देखिए पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष स्पष्ट कीजिए, तो इसके बारे में भी हमने इसका आंसर दे दिया है। आप जाकर इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिल रहा है, 22 शिवम स्टडी नॉलेज, यानी पहले आप क्वेश्चन का नाम लिख लीजिए, जैसे कि पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष स्पष्ट कीजिए, 22 शिवम स्टडी नॉलेज आपको लिख देंगे, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर से यहाँ पर देखिए जो पर्यावरण के मसले पर है, ये जो आपको चैप्टर मिलेगा, कौन सा चैप्टर मिलेगा? पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, जो कि नागरिक शास्त्र का चैप्टर 6 है, उसमें आंसर आपको मिल जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, साझी संपदा संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो ये जो आपका वैश्वीकरण वाला आपका चैप्टर है 7th नंबर, उसमें इसका आंसर मिल जाएगा, नहीं तो पर्यावरण वाले में कंफर्म है। मैं चैप्टर का नाम बता दे रहा हूँ स्टूडेंट, आप टिक लगा लीजिए। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, वैश्वीकरण क्यों आवश्यक है संक्षेप में लिखिए। तो चैप्टर 7 आपका जो है वैश्वीकरण, उससे लिया गया प्रश्न है स्टूडेंट, इसको तैयार कर लीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी जिसको क्या कहता है? BSP। यहाँ पर देखिए बहुजन समाजवादी पार्टी BSP के संस्थापक कौन थे, इसका उद्देश्य क्या था, इसके बारे में बताना है आपको, उद्देश्य के बारे में बताना है। तो इसे किस चैप्टर से मिलेगा? ये आपको मिलेगा लोकतांत्रिक व्यवस्था व संकट या कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां व पुनर्स्थापना, इस चैप्टर से भी आपको मिल सकता है ये क्वेश्चन का आंसर। यानी आपका जो सेकंड पार्ट है यानी खंड खा, उसके ऊपर यानी जो खंड खा से उसमें जैसे चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 है, उसी में इसका आंसर मिलेगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत की परमाणु नीति क्या है? तो भैया भारत की परमाणु नीति के बारे में आपको बताना है, जो कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, शायद उसमें इसका क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। 26 नंबर क्वेश्चन है, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने इसके क्या कारण बताएं? 1975 में राष्ट्रीय जो आपका आपातकाल घोषणा हुआ था स्टूडेंट, लगभग 2 सालों के लिए ये घोषणा हुआ था, और ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, खासकर आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में, कि उस समय के प्रधानमंत्री कौन थी? तो भैया इंदिरा गांधी थी, याद रखिएगा। ये किस चैप्टर में मिलेगा ये क्वेश्चन? ये चैप्टर आपका मिलेगा भारतीय राजनीतिक नए बदलावों में शायद मिल जाएगा, नहीं तो जन आंदोलनों का उदय, नहीं तो क्षेत्रीय आकांक्षा, ये 3 चैप्टर में इस क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। अब आ गया हमारा लघु उत्तरीय, जो कि द्वितीय लघु उत्तरीय द्वितीय प्रश्न, ये 6 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 125 शब्दों तक आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना होता है, टोटल 4 ही प्रश्न पूछे जाते हैं स्टूडेंट, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा पेपर में। जैसा कि 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए। 1971 में भैया बांग्लादेश जो कि आज़ाद हुआ था, ये किस चैप्टर में क्वेश्चन मिलेगा? तो जो आपका चैप्टर है समकालीन दक्षिण एशिया चैप्टर 3, जो कि उसमें मिल जाएगा। देखिए भारत ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई थी 1971 में, और उस समय की भारत की प्रधानमंत्री जो थी कौन थी भैया? भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और नए जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने थे शेख मुजीबुर रहमान, जो कि नए प्रधानमंत्री बने थे बांग्लादेश के। 1971 में बांग्लादेश का आज़ादी मिली थी, किस देश से आज़ादी मिली थी? जो कि पाकिस्तान से, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान, तो किससे मिली थी? पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान को मिली थी। ठीक है, याद रखिएगा, इसके बारे में भी हमने आंसर दे दिया आप लोगों को, जाकर देख सकते हैं आप हमारे चैनल पर। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति तैयार करने एवं लागू करने में भारत की जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भूमिका के बारे में भी बताना भैया। ये आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो कि चैप्टर 4 में इसका आंसर मिल जाएगा, तैयार कर लीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है,
भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के प्रमुख कारण क्या थे, तो वही चैप्टर है आपका समकालीन विश्व सुरक्षा। इसमें आपको बताना रहेगा जो चैप्टर 5 है, इसमें इसका आंसर मिल जाएगा। भारत पाकिस्तान, भारत चीन, ये दोनों पूछे जाते हैं क्वेश्चन काफ़ी आपके बोर्ड एग्जाम में। तो ये इस वीडियो में स्टूडेंट जितने भी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन को आप लोगों को तैयार कर लेना है, हल्के में एक भी क्वेश्चन को मत लीजिएगा क्योंकि पेपर में आपके आते हैं, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की गुट निरपेक्षता की नीति वर्तमान में प्रशासकीय इस यानी प्रासंगिक है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। गुट निरपेक्षता यानी भारतीय राजनीति नए बदलाव जो कि चैप्टर 9 है आपका, उससे लिया गया है आपका क्या एक प्रकार से क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिएगा। 6 नंबर का एक प्रश्न है, 6-6 नंबर वाले बहुत आते हैं क्वेश्चन, तो छोड़ना एक भी क्वेश्चन को नहीं है, सारे क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है। तो हमारा अब आ चुका है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि क्या है 8 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 8 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, टोटल 2 क्वेश्चन होते हैं। जैसा कि 31 नंबर क्वेश्चन है, आसियान की स्थापना कब की गई, आसियान की जो स्थापना है ये भैया कब की गई, और इसके किन्हीं 4 सदस्य देशों का नाम लिखिए। भारत आसियान के मध्य संबंध की विवेचना कीजिए, आपको क्या करना है भारत और आसियान के संबंध के बीच में आपको विवेचना करना है। तो देखिए स्टूडेंट जो आपका चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, जो कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। और इसके जो 4 आपके एक प्रकार से यानी जो सदस्य देश हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, यानी कई सारे इसके जो एक प्रकार से देश आ जाते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, बर्नुई, वियतनाम, लारोस, म्यांमार तथा कंबोडिया, ये कई सारे देश हैं। अब अथवा करके आया भैया, मान लीजिए कि ये नहीं आपको आता है, ये क्वेश्चन नहीं आप कर पाएंगे, तो विश्व में चीन के उभरते प्रभाव का आकलन वर्तमान परिप्रेक्ष्य कीजिए, ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि आपका किस में मिल जाएगा, इसी चैप्टर में मिल जाएगा, 2nd चैप्टर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में इस क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई, इसमें किन बात का अधिक बल दिया गया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये किस प्रकार भिन्न है, तो इसके बारे में भी बताना है आपको। ये चैप्टर जो आपका हो जाएगा किस में मिल जाएगा भैया, ये मिल जाएगा लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, जो कि आपके चैप्टर 6 है, सेक्शन 2 का चैप्टर 6, अथवा इसमें भी दिया हुआ मान लीजिए नहीं आता तो राष्ट्रीय आपातकाल के परिणामों की व्याख्या मूल अधिकारों तथा कार्यपालिका नगर पालिका के संबंधों के आधार पर कीजिए, ये वाला भी आप कर सकते हैं, यानी करना दोनों में से किसी एक को है। 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 कर दीजिएगा, 8×16 नंबर आपका कन्फर्म है, कोई काट नहीं सकता, ये गारंटी है। और स्टूडेंट इसमें बताए गए एक क्वेश्चन का मैंने आंसर अपनी वीडियोज में दिया हुआ है, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, 22 CM Study Knowledge लगा देंगे, वो क्वेश्चन का वीडियो आपको मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट मैंने सारी चीज़ों को एक प्रकार से बता दिया है, सारी चीज़ों को बता दिया है। नागरिक शास्त्र का एक क्या है, वायरल पेपर था, नागरिक शास्त्र का ये वायरल पेपर था, 2025 के पेपर में सेम इसी प्रकार से आएगा, पूरे पेपर का मैंने सोल्यूशन करा दिया है, ठीक है, पूरे पेपर का सोल्यूशन करा दिया है। और आपको हमारा 2023, 2022 और 2021 का भी वीडियो देखना चाहिए, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा प्रीव्यू पेपर का कि कैसे पेपर आया था, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही 2024 का पेपर आया था और 2025 का भी ऐसे ही पेपर आएगा, कुछ इसी तरीके से सरल आसान,